रसूख का बड़ा बोलबाला है भाई। अगर आप भी रसूख रखते हैं तो फिर आप बड़े बड़े अपराध कर लो, कौन रोक सकता है आपको। अब देखिए, कल की खबर में ही हमने आपको बताया था कि राजसमंद में रेव पार्टी करते कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन अब आगे तफ्तीश में ये सामने आ गया कि ये तो भाजपा के ही पूर्व नेताजी का रिसॉर्ट निकला। तो भैया फिर हो गई ना वही बात, रिसॉर्ट है तो बेधड़क सब काम चल सकते हैं। इन नेताजी का नाम है वेणीराम कुमावत। इस पूर्व भाजपा नेता के रिसॉर्ट पर रेड डाल पुलिस ने रेव पार्टी करते 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें चार महिलाएं हैं जो दिल्ली की रहने वाली हैं। शेष गिरफ्तार युवक गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के रहने वाले हैं। यह रेड सोमवार आधी रात के बाद डाली गई थी। खास बात यह है कि पुलिस इसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं बता रही। वहां से बरामद आपत्तिजनक चीजों को लेकर भी पुलिस अभी तक मुंह नहीं खोल रही है। यह जानकारी भी सामने आई है कि रेव पार्टी के लिए रिसॉर्ट में एक रात के लिए 5 कमरे बुक किए गए थे। मामला राजसमंद के राजनगर का है। 5 महीने के अंदर एक ही रिसॉर्ट पर यह दूसरी कार्रवाई हुई है। राजसमंद के बड़ाड़ा इलाके में सोमवार देर रात 1 बजे पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोमती उदयपुर हाईवे के बड़ाड़ा स्थित श्री द्वारकेश रिसॉर्ट एंड वाटर पार्क में रेव पार्टी चल रही है। रात 1 बजे पुलिस रिसॉर्ट पहुंच गई। हॉल में डांस फ्लोर पर 4 डांसर डीजे के गानों पर थिरक रही थी। गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के 14 लोग नशे में चूर थे। राजनगर थाना अधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने मंगलवार दोपहर प्रेस वार्ता कर बताया कि मौके से शराब की खाली बोतलें मिली। डांस कर रही दिल्ली की 4 डांसरों और 14 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर थाने ले गई। 3 कारें भी जब्त की गई हैं। सभी लोग 54 से 54 साल की उम्र के हैं। दिल्ली, राजस्थान के 4 लोगों के अलावा सभी गुजरात के अलग अलग इलाकों के रहने वाले कारोबारी, किसान और प्रोफेशनल्स हैं। पुलिस ने 5 माह पहले इसी रिसॉर्ट से रेव पार्टी कर रहे 45 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 9 महिलाएं और 36 पुरुष थे। 17 लग्जरी कारें भी यहां जब्त हुई थी। रिसॉर्ट पूर्व भाजपा नेता वेणीराम कुमावत का है। वह भाजपा में जिला मंत्री थे। 29 सितंबर 2021 को रेव पार्टी रेड के बाद उसे भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने पार्टी से निकाल दिया। कुमावत की जगह पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष जगदीश पालीवाल को जिला महामंत्री बनाया गया। वेणीराम कुमावत के 2 रिसॉर्ट हैं। पुलिस ने रेव पार्टी करते हुए गुजरात के 10, दिल्ली और राजस्थान के 4 लोगों को पकड़ा। नई दिल्ली के थाना कृष्णा नगर निवासी साउंड ऑपरेटर अंकुर बहल, रोहिणी सेक्टर 3 निवासी मैकेनिक ड्राइवर विनोद कुमार वाल्मीकि, डूंगरपुर जिले के थाना आसपुर के तालोरा निवासी होटल मैनेजर कुलदीप सिंह, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र के सीतल सोसाइटी निवासी व्यापारी ईशांत शाह, बड़ोदरा के थाना गेटगेंट रिया रोड निवासी किसान अंकित कुमार पटेल, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र के थाना बॉडीगेट निवासी व्यापारी दक्रोश भाई पटेल, बड़ोदरा के अंबाजी चौक निवासी कवित पटेल, गुजरात के जिला छोटा उदयपुर थाना सनखड़ी निवासी किसान हिमांशु पटेल, गुजरात के बड़ोदरा थाना पानीगेट निवासी दिव्येश पटेल, बड़ोदरा के रिंग रोड निवासी व्यापारी बालकृष्ण पारिक, गुजरात के जिला छोटा उदयपुर थाना बोडली ढोकलिया निवासी व्यापारी भाविक शाह, गुजरात के थाना मकरपुरा क्षेत्र निवासी किसान अंकित पटेल, छोटा उदयपुर जिले के तहसील बोडेली के चारोला पटेल निवासी किसान विनोद कुमार चौहान और उदयपुर जिले के थाना ओगणा निवासी होटल कर्मचारी हरी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रेव पार्टी में दिल्ली की 4 डांसरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं और 1 युवती हैं। डांसरों में चीनू, हीना कुरैशी, अमरजीत कौर और सीमा कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली का ब्रोकर बिट्टू इन डांसरों को कार से दिल्ली से रिसॉर्ट तक लाया था। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। रेड के दौरान बिट्टू मौके से फरार हो गया। ये भी आरोप है कि रिसॉर्ट के मैनेजर डूंगरपुर निवासी कुलदीप सिंह की मिलीभगत से ही ये पार्टी आयोजित की गई थी। रिसॉर्ट नादवारा और राजसमंद के बीच जंगल के इलाके में है। यहां मार्बल कारोबारी, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स अक्सर पार्टियां करने आते हैं। एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि गुजरात में शराब बैन होने के कारण कारोबारी राजस्थान की सीमा में आकर शराब पार्टी करते रहे हैं। रेड के बाद रिसॉर्ट के मालिक वेणीराम कुमावत ने कहा कि उन्होंने 3 साल के लिए रिसॉर्ट लीज पर दे रखा है। अभी इस लीज को 3 महीने ही हुए कि यह रेड हो गई। लीज रिसॉर्ट के मैनेजर कुलदीप सिंह ने ली है। 2 बार रिसॉर्ट में रेव पार्टी पकड़े जाने के सवाल पर वेणीराम ने कहा कि वे अब रिसॉर्ट को लीज पर नहीं देंगे, सिर्फ शादी विवाह कार्यक्रमों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। राजनगर थाने की पुलिस टीम में सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, सहायक उप निरीक्षक मांगीलाल, एचसी भगवानलाल, शक्ति सिंह, कांस्टेबल पप्पूराम, महेंद्र धनाराम, अनीता, चालक फतेहलाल, शंकर सिंह और खुशी राम इसमें शामिल थे। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आए और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।
दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।